السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। साथियों, बहुत से दोस्त ये सवाल करते हैं, पूछते हैं कि माशरे का असर हुक्मरानों पर होता है या हुक्मरानों का असर माशरे पे होता है, इसमें असल चीज़ क्या है। और इस हवाले से एक मशहूर वाक़या है जो तारीख इब्ने खलदून में मशहूर है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि हज़रत ये बताइए कि आपके ज़माने में खाना जंगी है, हंगामे हैं, आपसे पहले हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो ज़माना फुतूहात का ज़माना था, मुसलमान बहुत ही मज़बूत थे, आपके ज़माने में सूरत हाल बदल गई है, तो इसकी क्या वजह है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हज़रत अबू बकर व उमर के दौर में मातहत हम जैसे थे और हमारे दौर में मातहत तुम जैसे हैं। ये अल्लामा इब्ने खलदून ने यह रवायत नकल की है और उस पर तबसरा भी किया है कि ऐसे हालात भी होते हैं कि हुक्मरान अच्छा होता है मगर आवाम की नाइत्तेफाकी या आवाम की अदम इताअत, उनकी इस्तेदाद की कमज़ोरी और माशरे के अंदर उभरने वाले फितने इस कदर होते हैं कि वो अच्छा हुक्मरान भी पूरी तरह उसको कवर नहीं कर सकता। तो हुक्मरान को नाकाम नहीं कहा जाएगा इसलिए कि जो उसकी कोशिश है उसने कर दी, और ना ही उसको ज़िम्मेदार कहा जाएगा कि उसकी वजह से हालात बिगड़े, क्योंकि तो बज़ात खुद बहुत अच्छा है। यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने जो चौथे खलीफ़ा राशिद हैं उनसे बढ़ के अगर हम किसको देखें, पूरी उम्मत में सबसे अफजल हस्तियाँ यही चारों हजरात हैं खलीफ़ा राशिदीन। यहाँ पर वो सवाल पैदा होता है जो साथी आमतौर पर करते हैं कि एक मशहूर रिवायत है कि आमालुकुम उम्मालुकुम, तुम्हारे आमाल वही तुम्हारे उम्माल हैं और वही तुम्हारे हुक्मरान हैं। यानी जैसे तुम आमाल करोगे वैसे ही तुम्हारे ऊपर हुक्मरान आएंगे। अब ये मैं आपको बता दूं कि ये कोई हदीस नहीं है, ये साबित नहीं है कि ये कोई हदीस है, अलबत्ता ये एक मकूला है जो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह से मनकूल है कि इमाम अजलूनी ने अपनी किताब कशफुल खिताम में और दीगर हजरात ने भी नकल किया है इसको कि हज्जाज बिन यूसुफ ने जब बहुत मजालिम किए तो उसके ज़माने के लोगों ने आके हसन बसरी से कहा कि हज्जाज ने बहुत जुल्म किया है, बड़ी उसने आफतें मचाई हुई हैं। तो आपने फरमाया कि तुम हज्जाज के मजालिम के रद्द अमल में ख़ुद तुम गलत हरकत ना करो बल्कि अपने अमाल की इसलाह करो। और उसी दौरान हसन बसरी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि आमालुकुम उम्मालुकुम, जैसे तुम अमाल करोगे वैसे ही अमाल तुम्हारे ऊपर लाए जाएंगे। और ये बात बहुत सी जगहों पर हकीकत भी साबित होती है कि हम देखते हैं जैसे आजकल के हालात हम देख लें तो बिल्कुल ऐसा है जैसे हम हैं वैसे हमारे पर हुक्मरान हैं। और कई रवायात मज़ीद इसकी तायीद करती हैं। इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह ने हज़रत काब अहबार रहमतुल्लाह से रवायत नकल की है कि फरमाते हैं इन लिकुल्ली ज़मानिन मलिका, हर ज़माने का एक बादशाह होता है, यबअसुहुल्लाहु अला नहवी क़ुलूबि अहलिही, अल्लाह उस हुक्मरान को उस ज़माने के लोगों के दिलों के मुताबिक लेके आता है, उसे हुकूमत देता है। यानी अहले ज़माना के दिल जैसे होंगे उसी के मुताबिक वहाँ पे हुकूमत आएगी। अगर लोगों के दिल अच्छे हैं, लोग नेक हैं, पाकीज़ा तबीयत हैं, वो अल्लाह से खैर के तलबगार हैं,
तो फिर अल्लाह की तरफ से किसी अच्छे आदमी को हुकूमत दे दी जाती है, और अगर इसके बरखिलाफ़ है, लोग ख़ुद बुरे हैं, लोग ख़ुद गुनाहों में मुलव्विस हैं, खुल्लम खुल्ला अल्लाह की नाफरमानियाँ कर रहे हैं, तो उसी के लिहाज से हुकूमत भी बुरे लोगों की आती है। और ये एक ऐसी हकीकत है कि पूरी तारीख इसको दोहराती है, इसका सबूत फराहम करती है। तो ये एक अहम चीज़ है, इसको हमने जहन में रखना है। और इसके साथ आप ये भी देख लें कि हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ही से एक और रवायत मनकूल है कि बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह के पैगंबर, हमें ये बताइए कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा रब हमसे राज़ी है या नाराज़। ये रवायत जो है ये कशफुल खिफा में मौजूद है, दूसरी जिल्द में सफ़ा नंबर 127 पे, कि हसन बसरी से मनकूल है कि बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये बताइए कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा रब हमसे राज़ी है या नाराज़। तो हसन बसरी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला बंदों से राज़ी होते हैं तो अल्लाह ताला किसी अच्छे आदमी को हुकूमत नसीब फरमा देते हैं, और जब अल्लाह ताला लोगों से नाराज़ होते हैं, यानी हसन बसरी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको बताया, जब बनी इसराइल ने सवाल किया मूसा अलैहिस्सलाम से, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर उनको जवाब दिया अल्लाह ताला की तरफ से कि जब अल्लाह राज़ी होता है तो अच्छे लोगों को हुक्मरान बना देता है, और जब अल्लाह नाराज़ होता है तो अपनी नाराज़गी का अल्लाह ताला इजहार ये करता है कि बुरे लोगों को, बदतरीन लोगों को अल्लाह ताला उन पे हुक्मरान बना देता है। तो ये जो कुछ बातें हमने, जिनका मुज़ाकरा हमने किया, तो इससे ये मालूम होता है कि जैसे लोग होते हैं उसके मुताबिक उनके ऊपर हुक्मरान आ जाता है, और ये हकीकत में बड़ी ही पुख्ता और मजबूत बात है। दूसरी तरफ कुरान मजीद की एक आयत है, उस आयत मुबारक को लेकर लोग सवाल करते हैं। वो आयत मुबारक यह है कि सूरह बनी इसराइल में है, وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرَنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا। سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 16, اللہ فرماتے ہیں جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں, اَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً, ان کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں, اَمَرَنَا مُتْرَفِيهَا, तो हम उसके हुक्काम को तकवीनी तौर पर लगा देते हैं, हुक्म देते हैं, ये इसमें लगा देते हैं, फसकूफिया, तो हुक्काम बुरे बुरे काम करने लगते हैं, वो हुक्काम बुरे आ जाते हैं, फहक़ अली हल कौल, तो उस बस्ती पर, उस मुल्क पे उसके बाद अल्लाह की हुज्जत तमाम हो जाती है, फदम मरनाहा तदमीरा, उसके बाद अल्लाह उसको तबाह कर देता है, ख़त्म हो जाती है हुकूमत, ख़त्म हो जाती है वो रियासत, ख़त्म हो जाती है मुमलिकत। तो इस आयत मुबारक को लेके बाद साथियों ने सवाल किया कि हम जो सुनते आ रहे हैं उलमाए किराम से कि जी आवाम बुरे होते हैं तो हुक्काम बुरे होते हैं, ये आयत मुबारक से तो ये ज़ाहिर होता है कि पहले हुक्काम बुरे होते हैं और उन बुरे हुक्काम की वजह से फिर मुल्क तबाह हो जाता है। तो मैंने अर्ज़ किया कि इस आयत मुबारक का उस दूसरे उसूल के साथ कोई तसादुम नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला जब किसी बस्ती के, किसी मुल्क के हुक्मरानों को नाअहलों के सुपुर्द करता है, वो इज़ा अरदना अन नुहलिका क़रिया, जब हम इरादा कर लेते हैं, तय कर लेते हैं किसी बस्ती को हलाक करना है, तो ये अल्लाह ताला तय करता है, तो ज़ाहिर है अल्लाह तो सबसे बढ़ के इंसाफ करने वाला है, अल्लाह के यहाँ जुल्म का तो सवाल ही नहीं है। इन्नल्लाहा ला यज़लिमु मिस्क़ाला ज़र्रा, अल्लाह तो ज़र्रा बराबर भी जुल्म व ज़्यादती नहीं करता।
तो जो अल्लाह ने शुरू में फरमाया, इदा अरदना अन नुहलिका करोया, जब हम किसी बस्ती को हलाक करना चाहते हैं, वो इरादा भी तो किसी वजह पर मबनी है, और वो इरादा यही होता है कि उस बस्ती के लोग, उस मुल्क के लोग बुरे हो जाते हैं, तो उससे फिर अल्लाह की मशीयत इस तरफ जाती है, अमरना मुतरफीहा फफसकू फीहा, तो उसके बाद बुरे हुक्मरान आते हैं, बुरे हुक्मरान फिस्क व फजूर की, जुल्म व सितम की इंतहा कर देते हैं, फहक अलैहिल कौल, तो अल्लाह का अमर, अल्लाह की हुज्जत तमाम हो जाती है, आवाम भी बुरे हैं, हुकाम भी बुरे हैं, तबाह कर दो इस बस्ती को, तबाह कर दो इस मुल्क को। उस तबाही की सूरतें मुख्तलिफ होती हैं, कभी खाना जंगी हो जाती है, कभी दुश्मन हमला कर देता है, कभी अल्लाह की तरफ से कुदरती आफात आ जाती हैं, जलजले आ जाते हैं, सैलाब आ जाते हैं, बहुत सारी शक्लें सूरतें उसकी हो जाती हैं, और हुकूमतों का इस तरह तबाह होना, रियासतों का बर्बाद होना, हुक्मरान ख़ानदानों का फ़कीर और ज़लील हो जाना, ये तारीख़ में आप जब देखना शुरू करें तो इसकी इतनी मिसालें मिलेंगी कि इंसान पढ़ पढ़ के थक जाता है। आप पीछे से आप ले लें, थोड़ा सा हम इसको तारीख़ में मुतबिक करते हैं चीज़ों को, जो भी हमने जिनका मुज़ाकरा किया, आप देखें सहाबे किराम के बाद हुकूमत बनु उमैया बनु मरवान के पास आई। बनु उमैया में जो सहाबे किराम थे, यानी सहाबे किराम में से एक दो खुलफ़ाए राशिदीन हैं, उनमें हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला बनु उमैया में से, वो खुलफ़ाए राशिदीन की तो शान ही अलग है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला वो भी बनु उमैया के थे, और बहुत बड़े सहाबी, बहुत बड़े फातह, बहुत आदिल और काबिल हुक्मरान, उनका ज़माना गुजर गया। इसके बाद जो दौर आता है वो एक तकलीफ देह और अलमनाक दौर है। यजीद बिन मुआविया आया और वाक़े करबला पेश आया, और करबला के मुजरिम वो आज़ाद फिरते रहे, दंदनाते रहे, कोई रोक टोक नहीं थी, अपने अहदों पे उसी तरह रहे। मदीना पर हमला हुआ, ताबईन सहाबा वहाँ शहीद हुए। मक्का मुकर्रमा पे हमला हुआ, वहाँ भी सहाबा और ताबईन कत्ल हुए, शहीद हुए, खाना काबा तक आतिश जदगी से तबाह हुआ। ये सारे हालात पेश आए, फिर अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला की शरई खिलाफत, बेहतरीन खिलाफत वो आ गई, मगर बनु उमैया ने उनकी खिलाफत को कबूल नहीं किया, उनके ख़िलाफ़ फिर जंग शुरू कर दी, हत्ता कि अब्दुल मलिक बिन मरवान ने हज्जाज बिन यूसुफ को मक्का भेज के हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के ख़िलाफ़ बड़ी तवील जंग लड़ी, और वो हज के महीने में, हज के मौसम में भी वो जंग जारी रही, यानी खाना काबा को उन्होंने घेरे रखा, और उसके बाद फिर मुसलसल संगबारी और बड़ा जुल्म व सितम, हत्ता कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला को पकड़ के हज्जाज बिन यूसुफ ने शहीद किया, और उनकी नाश मुबारक को मक्का के रास्ते पे, शहरा पे उल्टा लटका दिया। ये बातें सही मुस्लिम की रवायत में तफसील मौजूद है, मुसनद अहमद में, कुतुब हदीस में ये चीज़ें मौजूद हैं, कमज़ोर रवायत की बात नहीं। ये जुल्म व सितम का ज़माना भी मुसलमानों ने देखा, ताबईन ने तो देखा ही, सहाबे किराम भी बास थे उस ज़माने में। इसके बाद मुसलमानों में एक तहरीक पैदा हुई, एक इस्लाह की तहरीक, और जिसमें हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला उनका बड़ा किरदार है, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला उनका बड़ा किरदार है, कि इन्होंने अपने मवाइस से, अपने इलम से, अपने दुरूस से मुसलमानों को बेदार करने की कोशिश की। अब्दुल्ला बिन आमिर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला उनका भी बड़ा किरदार है। उसके बाद फिर ताबईन का दौर आ गया, ये ताबईन पहले भी थे, लेकिन अब मुसनद दुरूस पे, मुसनद इफ्ता पे, मुसनद क़यादत पे ये हजरात थे, अवाम की क़यादत, अवाम की इस्लाह। उनमें हज़रत हसन बसरी, हज़रत सईद बिन जुबैर, हज़रत सईद बिन मुसैब, हज़रत आमिर बिन शराहील, इमाम शाबी, ये बड़े बड़े लोग थे। तो अब यहाँ से वो बात मुंतबिक होती है कि अल्लाह ताला लोगों के क़ुलूब के मुताबिक हुक्मरान को लेके आता है, और लोग अल्लाह से दुआएं कर रहे थे, अल्लाह हमें कोई नेक सीरत हुक्मरान नसीब फरमा।
वो नेक सीरत हुक्मरान अल्लाह ने खुद बनू मरवान में से पैदा कर दिया, यानी हज़रत उमर इबन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह ताला के, जिन्होंने अपने मुख्तसर तकरीबन 2.5 साल दौर में खुलफाए राशिदीन की याद ताज़ा कर दी। ऐसा अदल, ऐसा इंसाफ और ऐसी जुरतमंद क़यादत के जिसकी मिसालें सदियों के अंदर जाके कभी नज़र आती हैं। और इस्लाह का काम उन्होंने अपने घर से शुरू किया, अपने ख़ानदान से शुरू किया, जो उनसे पहले बनू मरवान के ज़ालिम हुक्मरानों ने या ज़ालिम उमरा ने, मेरी मुराद ये नहीं कि सारे ज़ालिम थे, उनमें बहुत अच्छे लोग भी थे, उनमें बड़े मुजाहिद लोग भी थे, उनमें काबिल फ़ख्र लोग भी थे, मुराद वही है जिन्होंने ज़ुल्म किया, वही मेरी मुराद है कि जिन लोगों ने ज़ुल्म किया था, चाहे वो शहज़ादे थे चाहे वो उमरा थे, वो जागीरें वापस दिलवाईं, जो कौमी ख़जाने से रुखूम लोगों ने ले ली थी वो वापस डाली, हत्ता कि अपने वालिद से उन्हें जो चीज़ें मिली थी, बाप दादा से जो उन्हें विरासत में चीज़ें मिली थी, वो भी इस ख्याल से कि कहीं ये चीज़ें ये खिलाफ शरा हासिल ना की गई हों, सब चीज़ें अपनी उन्होंने बैतुल माल में जमा करा दी। तो मुख्तसर से दौर में उन्होंने ऐसी मिसालें कायम कर दी कि आज तक जब उनका नाम लिया जाता है तो इंसान का सर व अकीदत से खम हो जाता है, वो ज़बान पर भी इख्तियार रहमहुल्लाह आ जाता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू जो अफसोसनाक है हालात का, वो ये कि लोग तो बहुत ज़्यादा कदर कर रहे थे, लोग तो बहुत खुश थे, मगर ख़ुद हुक्मरान ख़ानदान में बहुत से लोग ऐसे थे जो नापसंद कर रहे थे इस तब्दीली को। तो उन्होंने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की ना उनकी शख्सियत का लिहाज किया, ना रिश्तेदारी का लिहाज किया, बल्कि उनको जहर दे के उन्हें ख़त्म करा दिया। और हुकूमत फिर दोबारा उसी डगर पे आहिस्ता आहिस्ता आ गई। मैंने जहाँ तक तारीख़ को देखा है, मैं ये समझता हूँ कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह आवाम के लिए तो अल्लाह की तरफ से नेमत थे ही, ख़ुद बनू मरवान के लिए बहुत बड़ी नेमत थे। और अगर बनू मरवान उनकी क़दर करते और भरपूर उनका साथ देते, उनकी अपनी हुकूमत बनू मरवान की हुकूमत कई सदियों तक कायम रहती। उन्होंने उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को ख़त्म करके ये समझा कि अब चौधराहट हमारी मजबूत हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि मुल्क में आहिस्ता आहिस्ता खाना जंगी के आसार पैदा होने लगे। और वक्त फौरन तो नज़र नहीं आया, लेकिन 20 साल के बाद जाके वो खाना जंगी 20-25 साल बाद वाज़े हो गई, और बनू हाशिम की बनू अब्बास की तहरीक वो हर तरफ फैल गई। और 132 हिजरी में, यानी हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह की रहलत के 31 साल बाद, जबकि बनू मैया बनू मरवान की हुकूमत बहुत बड़ी हुकूमत थी, यानी अगर हम मौजूदा आलम इस्लाम देखें तो चंद ममालिक को छोड़ के बाकी सब बनू मैया के कंट्रोल में था, उनके परचम लहरा रहे थे उस सारे इलाके पर। वह हुकूमत यकदम ख़त्म हो गई 132 हिजरी में, बनू अब्बास की हुकूमत आ गई। अब फिर आप बनू अब्बास की हुकूमत में, तो इतना तवील दौर हुकूमत है, 132 में शुरू होकर 656 में ख़त्म होता है। तो मगर मैं सिर्फ एक दो मिसालें उसकी अर्ज़ करूँगा कि एक बनू अब्बास का दौर उरूज था और एक फिर उनका भी दौर जवाल था। और अब जब आप उनके दौर जवाल में आप जाते हैं बनू अब्बास के, तो आपको वहाँ पर भी नज़र आता है अवाम और हुकाम दोनों का फिस्क व फजूर में और मुनकरात में, अल्लाह की नाफरमानियों में, गुनाहों में मुलव्वस होना, ये दोनों तरफ आपको नज़र आता है। और साथ साथ आप देखते हैं किस तरीके से बनू अब्बास की सियादत वो लिपटती चली गई। बनू मैया से उन्होंने तकरीबन पूरा आलम इस्लाम उन्होंने लिया था, और अब सिमट के उनके पास सिर्फ बगदाद, कुछ इराक़ का इलाका, कुछ सूबे, सिर्फ ये उनके पास रह गया था। तो फिर उस ज़माने के अंदर एक बहुत बड़ा जो फितना था, बहुत बड़ी आजमाइश थी, जो करीब करीब शायद पूरे आलम इस्लाम को तबाह करने के लिए काफ़ी थी, वो थी सलीबी जंगें, जिनका आगाज़ सन 488 हिजरी में हुआ। और यूरोप की बड़ी बड़ी अफवाज, बड़े बड़े ममालिक लाव लश्कर के साथ आलम इस्लाम पे टूट पड़े, और बनू अब्बास बेचारे कुछ भी नहीं कर सके, और बैतुल मक़दस पे कब्ज़ा हो गया सलीबियों का,
ईसाइयों का। मस्जिद अक्सा में बैतुल मकदस में लगभग 70,000 मुसलमानों को भेड़ बकरी की तरह ज़बह किया गया। और ख़ुद सलीबी मौर्रखीन लिखते हैं कि मस्जिद अक्सा में इतना हमने खून बहाया मुसलमानों का कि उनके खून के चश्मे बहने लगे और उनके खून की नदियां हमारे घोड़ों की लगामों तक पहुंच गई। इतना खून था। और पूरा आलम इस्लाम सहम के दहल के रह गया। तो ये वो जगह थी जहां अल्लाह फरमाते हैं कि फ़फ़सक़ू फ़ीहा फ़हक़ अलैहिल क़ौल, अल्लाह की हुज्जत तमाम हो चुकी थी। फ़दम्मरनाहा तदमीरा, तबाह बर्बादियों का एक तूफान अपनी लपेट में मुसलमानों को ले रहा था। लेकिन उसके बाद मुसलमानों में फिर एक बेदारी की तहरीक पैदा हुई और फिर उलमा ने सुलहाने कोशिशें की उम्मत को जोड़ने की, उम्मत को खड़ा करने की। तो आप देखते हैं कि 30-40 साल के बाद फिर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी जैसा मुजाहिद खड़ा हो जाता है और हर तरफ से रजाकार और मुजाहिदीन और इस्लाम के मतवाले और शहादत के शौकीन खींचे चले आते हैं। और फिर मुसलमान एक कदम और आगे बढ़ते हैं नूरुद्दीन जंगी के नायब, उनके जानशीन, उनके तरबियत याफ्ता कुर्दिस्तान के मुजाहिद सलाहुद्दीन अयूबी। वो एक फौलादी दीवार बन के सलीबियों के सामने खड़े हो जाते हैं और ना सिर्फ उनके हमलों को रोकते हैं बल्कि कई साल की जद्दोजहद के बाद आखिर बैतुल मकदस को आज़ाद करा देते हैं। बैतुल मकदस दोबारा सजदागाह बन जाता है मुसलमानों की और सारे आलम इस्लाम में खुशी की एक लहर दौड़ जाती है, मसर्रत की एक अजीब फजा। अल्लाह ने कितनी बड़ी, कितनी अजीम फतह नसीब फरमाई। ये मुसलमानों का एक दोबारा, आप यूँ कहें कि उनकी रिकवरी थी, उनकी नशते सानी आप उसे कह सकते हैं कि फिर वो अपने पैरों पे खड़े हो रहे थे। तो जैसे जैसे आमाल की इसलाह हुई, कुर्बानी का जज्बा आया, ईसार का जज्बा आया, हत्ता कि वो इतना बढ़ गया कि अपनी जान अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने के लिए मुसलमान तैयार हुए, हालात ने पलटा खा लिया। लेकिन तारीख इसी तरह चलती है। आप फिर बनू अब्बास की तरफ आ जाते हैं कि ये बनू अब्बास के लिए बड़ा अच्छा मौका था कि इस मौके पे वो अपने आप को संभाल लेते, इतनी बड़ी फतह से वो नकद फ़ायदा हासिल करते। मगर आप तारीख का अजीब मंजर यहाँ पे आप देखेंगे कि बैतुल मक़दस की फतह में पूरे आलम इस्लाम में शुक्राने के नवाफिल अदा किए गए मगर बगदाद के खलीफा, खलीफा अन्नासिर, जब उसके पास खुशखबरी का मकतूब पहुंचा जो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने एक कासिद के हाथ रवाना किया था और मकसद ये था कि सबसे पहले खलीफा को खबर पहुंचे। तो वो कासिद असल में सिपाही था, बगदाद का एक रजाकार था जो मैदान जंग पे था। तो सुल्तान ने उसी को खुशखबरी का ख़त दे के कहा कि पूरी स्पीड से जाओ और ये ख़त खलीफा को पहुँचाओ। तो वह कासिद दिन रात सफ़र करता हुआ पहुँचा बगदाद और ख़त पेश किया। तो खलीफा ने ख़त पढ़ के ये नहीं कहा कि अल्लाह ने इतनी बड़ी हमें फ़तह नसीब फरमाई, अल्लाह सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का भला करे, अल्लाह उसे इज्जत दे, जाओ मेरी तरफ़ से मुबारकबाद दो। खलीफा ने कहा कि ये क्या हरकत है भाई, खलीफतुल मुस्लिमीन के लिए कुछ सिफारत आनी चाहिए थी, 20-25 लोग, बड़े बड़े उमरा आने चाहिए थे सफ़ीर बन के, एक सिपाही को भेज दिया, ये तो आपने खिलाफत की तौहीन कर दी। तो खलीफा ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के नाम एक बहुत ही गुस्से में भरा हुआ ख़त लिखा कि तुम बड़े ही बदतमीज़ आदमी हो, तुम्हें खिलाफत के आदाब का भी ख्याल नहीं है। उस फतह का तो उसमें कोई इजहार मसर्रत का जिक्र ही नहीं था उस ख़त में। यह आप झलक आप देख सकते हैं कि वहाँ रवैया क्या था। खैर, सुल्तान ने उस पर कोई रद्द अमल ज़ाहिर नहीं किया और बड़े अदब व आदाब से बात सुन ली और माजरत का इजहार कर दिया। फिर अपने जिहाद में अपने काम में मशगूल हो गए, जब तक अल्लाह ने उनके लिए लिखा था जिहाद करते रहे और फिर आखिर वो भी अपना टाइम पे दुनिया से रुखसत हो गए। आम बगदाद की तरफ आ जाएं कि ये खलीफा नासिर था, इसका ज़माना चलता रहा। फिर ये खलीफा नासिर, इसके ज़माने में अल्लाह की तरफ से और बड़ा फितना आ गया, पूरे आलम इस्लाम के लिए तातारियों का हमला हो गया और तातारियों के हमले ने आलम इस्लाम के बड़े बड़े शहरों को बिल्कुल मलियामेट कर दिया
और उस जमाने में मुसलमानों की हालत आप देख लें, और खुलफा की हालत आप देख लें, आवाम की हालत आप देख लें, खास तौर पे जो मरकज था इस्लाम का, मरकज खलीफतुल मुस्लिमीन का, दारुल खिलाफा के उलमा ने लिखा है, उस जमाने के मौरखीन ने लिखा है चश्मदीद वाकयात, कि खलीफा का जुलूस जो नमाज ईद के लिए निकलता तो ईद गाह तक पहुँचते पहुँचते असर हो जाती, मगरिब हो जाती, ईद की नमाज अपने शरई टाइम के बजाय मगरिब और इशा के टाइम जाके पढ़ी जाती थी। ऐसे वाकयात होते थे जब नमाज जो इस्लाम का सबसे बड़ा रुकन है, हुक्मरानों को उसका ख्याल नहीं तो बाकी चीज़ों का क्या ख्याल होगा। और नतीजा फिर यही निकला कि वही तातारी बढ़ते हुए 656 हिजरी में बगदाद पे हमला आवर हुए, पूरे खलीफा के ख़ानदान को तह तह कर दिया, बगदाद की 20 लाख आबादी में से 18 लाख मुसलमानों को बिल्कुल शहीद कर दिया, मरिया मेट कर दिया, आलम इस्लाम का मरकज ख़त्म हो गया, खिलाफत ख़त्म हो गई। वही बात दोहराई जा रही है, कुरान ने कही है, अमरना मुतरफीहा फ़फ़सक़ूफीहा फ़हक़ अलैहिल क़ौल फ़दमरनाहा तदमीरा, ख़त्म। अब फिर मुसलमानों के इम्तिहान क्या करेंगे, उसी तरह लहो लहब में मशहूर रहेंगे? नहीं, कुछ करवट ली मुसलमानों ने, फिर बेदार हुए, फिर खड़े हुए। और उसमें जब भी ऐसा कोई मकाम आता है तो वहाँ बहुत ही बुनियादी किरदार उलमा का होता है, मशाइख का होता है, मुबल्लिगीन और दाइयों का होता है। तो वो फिर एक बहुत ज़बरदस्त जद्दोजहद शुरू हुई, जिसकी काफ़ी तफसील इंशाअल्लाह ताला तारीख़ उम्मत मुस्लिमा में वो आ रही है। तारीख़ उम्मत मुस्लिमा की चौथी जिल्द वो इंशाअल्लाह शाया हो रही है, उसमें सारी तफसीलात इंशाअल्लाह आ जाएंगी। और कुछ बातें इसमें से जो मेरी किताब है शेर ख्वारज़्म सुल्तान जलालुद्दीन, उसके अंदर भी मिल जाएंगी, लेकिन तफसील तारीख़ उम्मत मुस्लिमा हिस्सा चहारुम, जो अल्लाह ने चाहा तो जनवरी में, जनवरी 2021 में अल्लाह ने चाहा तो मार्केट में आ जाए, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो कहने का मकसद ये कि वो फिर एक फिर तहरीक शुरू हुई, और उस तहरीक के नतीजे मुसलमान फिर खड़े हुए, और सुल्तान सैफुद्दीन कुतुस जैसे मुजाहिद को अल्लाह ने हुकूमत नसीब फरमाई, सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरस जिसे अल असद व गौरी कहा जाता था, यानी खूंखार शेर, बैक वक्त ईसाइयों से भी लड़ता रहा, सलीबियों से लड़ता रहा, बाज़ंतीनियों से लड़ता रहा, और मंगोलों से लड़ता रहा, दोनों तरफ उसने जिहाद किया। सुल्तान सैफुद्दीन कलावून, सुल्तान अल मलिक व नासिर, ये बड़े बड़े लोग आए हैं मिस्र में, मिस्र को अल्लाह ने मरकज़ बना दिया, खिलाफत भी वहीं पर दोबारा कायम हो गई बनू अब्बास की, अगरचे पहले जैसी खिलाफत नहीं थी, लेकिन बहरहाल वो एक मुसलमानों के लिए नेमत ज़रूर थी कि खिलाफत है तो सही। तो ये फिर सिलसिला चलता रहा, फिर वहाँ ममालिक में मिस्र जो मरकज़ था तो वहाँ हालात तब्दील हुए, और फिर एक बार फिर अल्लाह ने फिर उधर बनू उस्मान को खड़ा कर दिया, जो खाना बदोश लोग थे, भेड़ बकरियाँ चराने वाले लोग, अल्लाह ने क़यादत उनको दे दी, क्योंकि उनमें दीन का जज्बा था, उनमें इस्लाम के लिए क़ुरबानी देना और ईसार और जद्दोजहद करना, ये उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ था। तो ऐसे लोग जिनकी कोई हैसियत नहीं मानी जाती थी, कबाइली लोग, जंगलों में बसने वाले और बकरियां चराने वाले, उनको अल्लाह ने इतनी बड़ी हुकूमत दे दी कि आप अगर आप देखें तो खिलाफत राशिदा और बनू उमैया के बाद वो सबसे बड़ी हुकूमत थी, और 6 सदियों तक बनू उस्मान ने मुसलमानों की हिफाजत की। थोड़ी सी बात आप अपने तरफ अपने मुल्क पे ले आएँ, बर सग़ीर पे ले आएँ, कि यहाँ पे आखिरी ज़माने में क्या था। हमारी आखिरी हुकूमत सबसे बड़ी मुग़लों की हुकूमत थी, और मुग़लों का एक बड़ा शानदार दौर रहा है, एक तारीख़ है बड़ी दिलचस्प और बड़ी मज़े की, और उसके आसार आप देखना चाहें तो ताज महल है, दिल्ली की जामा मस्जिद है, लाहौर की शाही मस्जिद है, शालामार बाग है, और जनाब ठट्टा की शाहजहानी मस्जिद है। इतने आसार मुग़लों के मौजूद हैं कि इंसान आज भी देखता है, मुतासर होता है उनके ज़ौक़ से, उनकी हिकमत से, और उनके सूझबूझ से। कमाल के लोग थे, लेकिन वहाँ भी फिर एक ज़वाल का दौर आया। और जब आप मुग़लों के आखिरी हुक्मरानों को देखेंगे जिनसे हुकूमत अंग्रेज़ ने ली थी, तो ऐसा नहीं था कि हुक्मरानों में कोई कमज़ोरी नहीं थी और अंग्रेज़ ऐसे ही मुसल्लत हो गया।
आप आखिरी दौर के हुक्मरानों को अगर आप देखें, मैं एक छोटा सा वाक्य आपको सुनाता हूँ कि हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह उस आखिरी दौर के बुज़ुर्गों में से थे दहली में, कि जिन्होंने हर शोबे के लिए काम किया, हदीस पर भी, फ़िक्ह में भी, तसव्वुफ़ में भी, और इस्लामी सियासत के हवाले से भी। और ख़ुद जो दहली के बादशाह थे, हुक्मरान तबके के लोग थे, उनको उन पे तवज्जो थी उनकी कि किसी तरह ये लोग ठीक हो जाएं। तो एक वाक़ आपको सुनाता हूँ कि दिल्ली के बादशाह आलमगीर सानी, एक आलमगीर पहले थे, औरंगज़ेब आलमगीर वो नहीं, ये उनके पोते हैं, आलमगीर सानी पोते हैं या पड़पोते हैं। तो आलमगीर सानी अपने वज़ीर के साथ शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी से मुलाकात के लिए हाजिर हुए। तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ने अपनी गुफ्तगू में बादशाह को नमाज की तलकीन की। तो जब नमाज की तलकीन की तो वज़ीर ममलिकत कहने लगे कि शाह साहब, अल्लाह के फजल से हमारे बादशाह नमाज पढ़ते हैं, हमारे बादशाह नमाज पढ़ते हैं। तो ये सुन के शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह बहुत खुश हुए और कहने लगे, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है कि मुद्दतों बाद अल्लाह ने ऐसा हुक्मरान नसीब फरमाया जो नमाज का पाबंद है। आप अंदाज़ा करें ज़रा कि इससे क्या मालूम हो रहा है, यानी उससे पहले कई हुक्मरान ऐसे गुजरे थे कि जिन्हें नमाज की परवाह ही नहीं थी, मुद्दतों बाद ऐसा हुक्मरान आया। और बहुत अच्छे हुक्मरान थे आलमगीर सानी, लेकिन जैसे पीछे अर्ज कर चुका हूँ उमर बिन अब्दुल अजीज़ के हवाले से, कि कभी कभी कौमों के अंदर अच्छा हुक्मरान भी वो ऐसे मौके पर आता है कि उसको सही सपोर्ट नसीब नहीं होती, अच्छे आवान, अच्छे अंसार, अच्छे मददगार उसे नहीं मिलते, तो उसकी असलाही तहरीक पूरी तरह कामयाब नहीं होती। वो कभी तो ऐसा होता है कि बिल्कुल भी कामयाब नहीं होती। तो आलमगीर सानी का ज़माना ऐसा ही था। इन्होंने कोशिश की मुग़ल हुकूमत को मजबूत करें, इस्लामी शायर को ज़िंदा करें, मगर ख़ुद दरबार के अंदर मौजूद गद्दारों ने आलमगीर सानी को कत्ल कर दिया। और आलमगीर सानी के कत्ल होने के साथ ही वहाँ से मराठों का सैलाब तो पहले ही उमड़ रहा था, उसने दिल्ली को भी अपने कब्ज़े में ले लिया। और उस वक्त शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह की जो इस्लाही तहरीक थी उसमें अहमद शाह अब्दाली को बुलाया गया और जंग हुई, मराठों को शिकस्त हुई, अल्लाह ने एक और फतह नसीब फरमाई थी। मगर हकीकत में जो बीमारी के जरासीम थे बहुत गहराई में जा चुके थे। तो ये जो फतह थी पानीपत की, इसकी मिसाल ऐसी कि एक इंजेक्शन लगा दिया गया, कुछ आप में कुव्वत आ गई, अब आप अपने आप को संभालें, अब आप हिफ्जान सेहत का ख्याल करें, अब आप उन चीज़ों से बचें जो सेहत को ख़राब करती हैं, नहीं करेंगे वो इंजेक्शन का असर भी ख़त्म हो जाएगा। तो अहमद शाह अब्दाली पानीपत में फतह हासिल करके मुसलमानों को ज़रा सहारा दे के वापस चले गए, हालात फिर उधर ही आ गए। तो मैं आखिरी दौर की बात कर रहा हूँ कि जिस ज़माने में अंग्रेज़ ने हुकूमत ली है मुसलमानों से, मुग़लों से, तो वहाँ पर सूरत हाल ये थी। मौलाना ज़क़ाउल्लाह दहलवी जो मुग़ल दौर के मौर्रिख़ हैं, उन बिल्कुल आखिरी दौर के मौर्रिख़ हैं, उनकी किताब है तारीख़ हिंदुस्तान, 10 जिल्दों में है। उसमें उन्होंने हाल जो लिखे है आखिरी दौर के मुग़ल हुक्मरानों का, शहज़ादों का, उन्होंने लिखा है कि नमाज बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं ये लोग। कभी कभी जुमे की नमाज के लिए शाद और नादर कोई शहजादा चला जाता है। हाँ, यही शहजादे मस्जिद की, जामा मस्जिद दहली, जामा मस्जिद दहली की सीढ़ियों पे ये लोग खेल तमाशे करते रहते हैं, वहाँ पे खेल कूद और लहो लड़ब में सीढ़ियों पे खड़े होकर मशहूर रहते हैं, नमाज के लिए नहीं जाते। तो हुक्मरान खानदान के जवाल का नक्शा इसी के सामने आ जाता है। हाँ बिल्कुल, आखिर में जो बहादुर शाह जफर थे ना, वो बड़े नेक आदमी थे, क्योंकि लड़कपन से उनका सूफिया कराम से ताल्लुक था। लेकिन बात फिर उधर ही आ जाती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि नेक हुक्मरान वो ऐसे मौके पर वो आता है कि माशरा बिल्कुल तबाही के धाने पे होता है और उसको आवान मददगार मुयसर नहीं आते, तो उसकी जो ज़ाती नेकी होती है फिर वहाँ पे काम नहीं आती है। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ और फिर वो हुकूमत भी मुसलमानों के हाथों से निकल गई। तो मेरा ख्याल ये मिसालें इस बात को समझाने के लिए बहुत काफ़ी हैं कि असल बुनियाद वो इंसान है, और इंसानों के अंदर भी हमारे अजहान हैं, हमारा माशरा है। माशरे का सुधार वो अच्छी हुक्मरानी की आमद का बायस बनता है। हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि अच्छी हुक्मरानी जो है फिर उस सुधार को, उसको अपनी गिरफ्त में लेने, उसके सुतून मजबूत करने
और उसकी दीवारों को ऊंचा ले जाने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। ये दोनों चीज़ें लाजिम और मलजूम भी हैं, यानी अच्छे आवाम अच्छी हुक्मरानी को सपोर्ट करते हैं और अच्छी हुकूमत वो अच्छे माशरे को तश्कील देने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। ये बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे एक इमारत बनती है तो पहले दीवारें और सुतून कायम होते हैं, ऊपर छत पड़ती है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि दीवारों और सुतूनों के बगैर छत डल जाए, लेकिन जब छत डलती है तो वो छत उन दीवारों को भी सपोर्ट फराहम करती है। वो दीवारें पहले इतनी मजबूत नहीं थी, जब ऊपर से एक बड़ा हैवी वेट ऊपर से आ जाता है वो दीवारें मजीद अपनी बुनियादों में गड़ जाती हैं और मजबूत हो जाती हैं। फकत दीवारें हों वो जलजिला हल्का सा जलजिला उन्हें गिरा सकता है, ऊपर एक मजबूत बेहतरीन तरीके से सही कवायद के ऊपर एक छत ऊपर नसब हो तो फिर आप उसको मजीद ऊपर भी ले जा सकते हैं, उस पर एक मंजिल आप और भी तामीर कर सकते हैं। तो आवाम और हुकाम की नेकी और बुराई का ये लाजिम और मलजूम एक ताल्लुक है जो कुरान हमें समझाता है। और लेकिन इसके साथ एक बात बिल्कुल आखिर में मैं से बात ख़त्म कर रहा हूँ कि कभी आवाम ये कह के बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते कि जी हमारे हुक्मरान बुरे हैं हम क्या करें, और ना ही हुक्मरान ये कह के बरी ज़िम्मा हो सकते हैं कि आवाम बुरे हैं जी हम क्या कर सकते हैं। ये कुरान मजीद इस बात की बिल्कुल नफ़ी करता है और कुरान मजीद ये बताता है कि क़यामत के दिन ऐसा होगा कि लोग आपस में अच्छे और बुरे लोग ख़ास तौर पर जो अवाम हुकाम हैं वो आपस में कहेंगे। क़ुरान मजीद कहता है सूरह सबा की आयत है, फरमाया यकूलुल्लज़ीना सुज़िफू लिल्लज़ीना इस्तकबरू लौला अंतुम लकुन्ना मुमिनीन। जो कमज़ोर लोग हैं अवाम हैं वो हुक्मरानों से कहेंगे क़यामत के दिन जब दोनों ही मुजरमों की जगह पे खड़े होंगे कि अगर तुम लोग ना होते तो हम तो ईमान वाले होते, हम तो बहुत अच्छे होते, तुम्हारी वजह से हम बिगड़े हैं। अल्लाह फरमाते हैं قال الذين استكبروا للذين صغفوا ونحن صددناكم عن الهدى। वो कहेंगे कि हमने क्या तुम्हें हिदायत से रोका था, जितनी हिदायत में तुम आ सकते हैं तुम्हारे बस में थी। ونحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين। हिदायत तुम्हारे पास आ चुकी थी, तुमने खुद ही हिदायत इख्तियार नहीं की, तुम ही मुजरिम हो। फिर वो आगे से जो आवाम होंगे फिर कहेंगे बल मकरुल लैली वन नहारी तअमुरूनना अन नकफुर बिललाहि व नजअल लहू अंदादा। नहीं भाई तुम्हारा बहुत कसूर है, तुम्हारी दिन रात की मक्कारियां दिन रात की साजिशें हमें बिगाड़ने में तुम बहुत बड़े मुजरिम हो, तुमने अल्लाह से हमको दूर किया। अल्लाह फरमाते हैं व असरु नदामत लम्मा रौ अल अज़ाब। ये बातें बेकार हैं उस टाइम जब अजाब सामने आएगा तो नदामत से बुरी हालत होगी। वजअल अलल फी अअनाक अल्लज़ीन कफरू हल युजज़ून इल्ला मा कानू यअमलून। भाई जिसने जो किया है वो उसका बदला बहरहाल पाएगा। हल युजज़ून इल्ला मा कानू यअमलून। तो अगर हमें अपने हुक्मरानों से शिकायतें हैं तो हम हर बात में उन्हीं की बुराई लेकर ना बैठ जाएं कि जी बस उन्होंने सब कुछ बेड़ा गर्क किया हुआ है हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे बस में है हम करें। हमें नमाज से किसने रोका है, नमाज क्यों नहीं पढ़ते हम, जमात के लिए मस्जिद में हम हाजिर क्यों नहीं होते, ज़कातें क्यों नहीं अदा करते, हज जिन पर फ़र्ज है क्यों नहीं करते, गरीबों का फ़कीरों का मिस्कीनों का अपने पड़ोसियों का ख्याल हम क्यों नहीं रखते, फजूल खर्ची क्यों करते हैं, इसराफ़ क्यों करते हैं। ये तो हमारे इख्तियार में है। हुक्मरान भी नहीं कह सकते थे माशरा इतना बिगड़ा हुआ है। हर एक ने अपनी इस्तेताअत के मुताबिक करने का ज़िम्मा अल्लाह की तरफ से उस पर है, उसमें कोताही करेगा अल्लाह के यहाँ पूछ होगी। अल्लाह हमें तौफीक नसीब फरमाए कि हम कुरान की रोशनी में अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें, अपनी तारीख को समझें, सबक हासिल करें। अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिरु दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।